तो नमस्कार दोस्तों, अपना ही यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, करता रहूँगा हर बार की तरह इस बार भी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर कि देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए आपका फैमिली मेम्बर में अगर आधार जैसे राशन कार्ड में किनका किनका नाम है वो आप अपने मोबाइल में कैसे देख सकते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर में कितने लोगों को राशन कार्ड में नाम है। जी हाँ दोस्तों, यही कमाल का टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा प्ले स्टोर के अंदर। तो हम प्ले स्टोर के अंदर आ गए हैं। प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद एक ऐप के आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि भारत सरकार का ऐप है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेरा राशन ऐप, जैसे यहाँ पे लिखेंगे MERA मेरा राशन, जैसे लिखिएगा यहाँ पे देखिए दोस्तों AI वाला ऐप आ जाएगा। इसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ से आसानी पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओपन करेंगे और दोस्तों इसमें हम शॉर्टकट आपको बताएंगे इसमें क्या क्या आपको आप कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सीधे इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। इंटरफेस शो होने के बाद दोस्तों आपसे लोकेशन का परमिशन मांगेगा, तो आपको लोकेशन पे सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका लोकेशन वाला जो भी चाबी होगा आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओपन का ऑप्शन एक मिल जाएगा, ओपन पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे ओपन पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा आपके सामने। फिर आपको पास क्या करना है, आपके पास यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आ गया। यहाँ पे रजिस्टर के नोट, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गया। तो दोस्तों हमें इसमें क्या है, इसमें हमें देखना है कि हमारे फैमिली मेम्बर में हमारे को कितने आदमी को हमें राशन मिलता है। तो हमें कितने फैमिली मेम्बर को राशन मिलता है तो हमें चेक करना है। जैसे कि हम चार फैमिली मेम्बर हैं तो हमारे चारों का लिस्ट में नाम है या नहीं हम इसमें देख सकते हैं आधार नंबर के संख्या के सहायता से। तो हम यहाँ पे करते हैं ये आधार सेंडिंग पे हम करेंगे क्लिक। यहाँ पे जैसे करेंगे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा प्लीज सिलेक्ट टू ऑप्शन। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, यानी कि एक तो आप पे आप राशन कार्ड के नंबर से यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा है आधार नंबर से आप देख सकते हैं। तो हमें आधार नंबर पर करना है टिक। ऐसे आधार नंबर पर टिक कीजिएगा। टिक करने के बाद अपना यहाँ पे कोई भी एक फैमिली सदस्य का एक आधार नंबर डालिए। जैसे वहाँ पे डालिएगा, अगर जितना भी आपका फैमिली मेम्बर होंगे वो सबका नीचे आपका जो भी लिंक होगा आपको दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे चलिए मैं अपना यहाँ पे आधार संख्या डाल लेता हूँ। तो आधार संख्या डालने के लिए दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा ताकि सिक्योरिटी के लिए। तो दोस्तों मैं अपना आधार संख्या डाल दिया हूँ। आधार संख्या डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे मैं करता हूँ क्लिक। सबमिट पर जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कुछ यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी हमारा डाटा है, हमारे फैमिली मेम्बर का जो भी नाम है, यहाँ पे हमारे 2, 4, 6 हमारे 6 आदमी का राशन कार्ड में नाम है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 6 आदमी का यहाँ पे यस 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 दिखा रहा है। तो यही कुछ वीडियो थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर किया जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं कोई